सेंटर ऑफ मास का मतलब एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट, मैंने क्या बोला, एक इमेजिनरी पॉइंट जहां पर यह माना जाता है कि पूरी बॉडी का मास सपोज किया जाता है कि वहां पर पड़ा होगा, सपोज किया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि ये एक्चुअली हम कर क्यों रहे हैं, मतलब कोई चीज़ की ज़रूरत है तभी कोई चीज़ प्लेस हुई है ना, ऐसा तो है नहीं कि किसी को शौक चढ़ा कि चल यार 10 चैप्टर पूरे करने थे एक सेंटर ऑफ मास लगा देते हैं, ये तो होगा नहीं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है, अब से प्लस वन में जब से आपकी एंट्री हुई है आज तक आपने एनर्जी कंजर्वेशन देखी, मैंने लगा के दिखाई, लॉज ऑफ मोशन लगा, सब कुछ किया आपने, प्रॉब्लम ये देखी आपने कि, या आपको प्रॉब्लम नहीं आई ऐसे बोलो, क्योंकि मैंने चाहे ट्रक लिया, चाहे कार ली, चाहे स्कूटर लिया, चाहे ईंट ली, चाहे स्टोन लिया, मास एम लिया, मैंने कभी बात ही नहीं की कि कोई शेप बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, किसी की शेप ऐसी होती है, कोई डिस्क होता है, मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा जी मास एम है, बात ख़त्म, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, बात ख़त्म हो गई। हमने कभी ये बात ही नहीं की कि एक्चुअल में तो पेन ऐसा होता है, हम कहते हैं जी पेन, ये पेन ऐसे पड़ा हुआ है, इसकी पोटेंशियल जी, आपने कहा MGH, भाई पेन की शेप तो देखो, यहाँ पर मास कम है, यहाँ पर मास और ज़्यादा है, ज़्यादा 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 कम। फिर मैंने कहा देखो जी पंखे की शेप देख लो, पंखा डिस्क की फॉर्म में नहीं है, पंखा तो तीन पर लगे हुए हैं और हवा मार रहा है, देखो कहीं तो कुछ पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक्चुअल में ये बेंच की शेप देखो, अब शेप कैसी है, ऊपर मास ज़्यादा है, नीचे टांगों में मास कम है इसका, तो मास की डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो। अगर आप एक एक पार्टिकल लो, M1 M2 M3 अप टू MN, हर पार्टिकल को आप प्लेस करो तो शेप चेंज होती है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी तक जितनी भी फिजिक्स चली हमने कभी पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं, क्योंकि हमने जितने भी मासेस लिए वो पॉइंट मास लिए। पॉइंट मास समझते हो, बस ट्रक है तो पॉइंट है, बस एक पॉइंट का मास है, मैं ट्रक का मास है मैं जी, बस पॉइंट बना दिया खत्म। हमने बात ही नहीं की ट्रक के अंदर तो मन M2 M3 बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पेन है मास एम है, पंखा है मास एम है, बस मास एम है। लेकिन अब जो फिजिक्स पढ़ेंगे उस पर शेप मैटर करेगी। देखो आप शेप कैसे मैटर करेगी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक इंक्लाइंड प्लेन लें, उस इंक्लाइंड प्लेन पे दो दो किलो की तीन बॉडीज लें, एक लें डिस्क, एक लें रिंग, एक लें सॉलिड स्फीयर, तीनों को छोड़ दें, तीनों इकट्ठे कभी नीचे पहुँचेंगे ही नहीं। स्फीयर सबसे पहले पहुँचेगा, फिर डिस्क है, फिर रिंग है। आपको ये कैसे भाई, दोनों तीनों गोल हैं, तीनों का मास सेम है ना, शेप अलग है, क्योंकि शेप अलग है तो कहीं ना कहीं शेप मैटर करती है। अब अगर शेप मैटर करती है तो उसका काम तो हम थोड़ी टाइम में रोटेशनल मोशन में करेंगे, शेप को कैसे इंक्लूड करना है। बट पॉइंट ये है कि अगर शेप मैटर करती है तो हम इसका मतलब मास के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने वाले हैं, M1 M2 M3 वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर मैंने मास को बहुत सारे पार्टिकल्स में तोड़ लिया, M1 M2 M3 अप टू MN, तो प्रॉब्लम ये है कि फिर मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा, मैं M1 के ऊपर करूँगा, M2 पे करूँगा, M3 पे करूँगा, कि कितने पार्टिकल्स पे करूँगा। जैसे मान लो एक कोई भी बॉडी है, पेन है, मैंने कहा पेन के कितने टुकड़े हैं, कोई कहता है दो टुकड़े हैं, ये लो दो पेन तोड़ के दे दिया, ये लो दो टुकड़े हैं, कोई कहता है चार टुकड़े हैं, 1 2 3 4, कोई कहता है 6 टुकड़े हैं, कोई कहता है 1 लाख टुकड़े हैं, कोई पाउडर करके दे देगा, कोई 1 करोड़ टुकड़े हैं, कोई और पाउडर कर देगा, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं ना मास की। तो M1 M2 M3 की लिमिट क्या है, कोई लिमिट नहीं है, फिर कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को टोटल मास M पसंद है, क्योंकि मेरे को काम आता है M मास पे करने के लिए, है ना। तो मैं बेसिकली क्या करता आया हूँ, मैं तो M के साथ ही कैलकुलेशन करता हूँ, और मैं आज भी यही चाहता हूँ कि मैं ऐसे इतनी कॉम्प्लेक्सिटी क्यों लेके आऊँ, मैं M के साथ ही काम करना चाहूँगा। लेकिन प्रैक्टिकली मास वैसा है नहीं जैसा हम देखते हैं पॉइंट मास, प्रैक्टिकली हर बॉडी की शेप डिफरेंट है, हर सिस्टम की कोई हर जो सिस्टम है उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं M1, M2, M3 अप टू MN बहुत सारे मासेस पे कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, लाखों करोड़ों मासेस पे काम कैसे होगा, कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। इसके लिए मैं एक शॉर्टकट निकालूंगा और मैं ये चाहूंगा कि मैं एक ही मास के साथ काम करूं। तो अगर एक ही मास के साथ काम करना है तो मुझे वो मास की प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, वो मास पड़ा कहाँ हुआ है। तो वो मास जिस भी पॉइंट पे पड़ा हुआ है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास मास नहीं है, सेंटर ऑफ मास वो एक पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास पड़ा हुआ है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, सपोज करो एक मिनट के लिए आपके पास एक चेन वाली, चलो मैं एक रॉड वाली प्रॉब्लम लेता हूं, हमने पहले भी एक बार डिस्कस की अगर आपको याद होगा वर्क पर एनर्जी में,
हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास सपोज एक रॉड है, चलो ये रॉड है, और मैं ये बोलता हूँ रॉड का मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मास इसका कितना है रॉड का, एम है, और लेंथ रॉड की कितनी है, एल है। तो अगर मैं ये पूछूं कि अगर लेंथ एल है और आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाएं मुझे, अब हमारी सेम प्रॉब्लम वर्क एनर्जी पावर वाली कि ये ग्राउंड है, मास यहाँ पर भी है, 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 तो यहाँ की एनर्जी अलग है, यहाँ की अलग, 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 ऐसे ही होगा। तो हमने क्या डिसाइड किया था, हम क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम लेते हैं कि ये हमारा क्या पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ मास, जिसके ऊपर पूरा मास पड़ा हुआ है बॉडी का, पूरा बॉडी का मास क्या है, एम। तो मैंने एम ले लिया, अब इसकी हाइट ग्राउंड से क्या होगी, एल बाई टू, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी इंटू एल बाई टू। तो क्या है, पॉइंट क्लियर है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर एम जी इंटू एल बाई टू होगी। तो कहने का मतलब एक्चुअल में तो मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था ही नहीं, एक्चुअल में पॉइंट मास थोड़ी ना था, एक्चुअल में तो मास ही मास था, हर जगह मास ही मास था, पर मैं इतनी कैलकुलेशन करूं कैसे यार, मैं M1 की, M2 की, M3 की, Mn की एनर्जीज कैसे निकालूं, और फिर मैं इंटीग्रेट करूं, मैं क्यों करूं, उसकी जगह मैं टोटल मास लूंगा सेंटर ऑफ मास पे। तो मैं ये मानता हूं कि अगर मैंने एक सेंटर ऑफ मास ले लिया, इमेजिनरी है, एक्चुअल में तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड ही है, पर सेंटर ऑफ मास इमेजिन करता है कि सारा मास यहाँ पर पड़ा हुआ है, फिर मुझे रॉड की शेप देखने की जरूरत ही नहीं है, रॉड की शेप जैसे मर्जी हो, मास जैसे मर्जी हो, फिर तो मैं ये बोलता हूँ कि इसका मास क्या है, एम है, और इसकी हाइट ग्राउंड से कितनी है, L by 2 है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, mg into L by 2। तो रॉड का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने पॉइंट के ऊपर ले आया मैं, क्योंकि पॉइंट का काम करना मेरे लिए ज़्यादा इजी है, समझ में आ रहा है, सेंटर मास कैसे हेल्प कर रहा है। तो अब प्रॉब्लम आपको कि फिर प्रॉब्लम क्या है, हो तो क्या आंसर सेंटर पे ले लेंगे, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने आपको फिर से सेम क्वेश्चन रॉड का ही दे दिया, इस बार ये बोल दिया कि यहाँ पर रॉड में बहुत मास है, लोहे की बनी हुई है ये वाली रॉड, और आधी रॉड प्लास्टिक की बनी हुई है, मास की डिस्ट्रीब्यूशन कम है, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अब सेंटर में तो होगा नहीं, सेंटर ऑफ मास वहाँ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ ज़्यादा पार्टिकल पड़े हुए हैं, ज़्यादा पार्टिकल कहाँ पड़े हुए हैं, ऊपर पड़े हुए हैं, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पड़ा होगा। तो सारा मास बॉडी का कहाँ इमेजिन किया जाएगा, इस पॉइंट पे, सेंटर में तो होगा नहीं, सेंटर में कब होता है, जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अब यहाँ पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो है नहीं, मास कहाँ पर है, ऊपर हो गया। अब आप पूछोगे सर ये हाइट तो बोलो कहाँ पर है, अगर आप मुझे ये हाइट बता दें तो मैं एम जी एच इंटू हाइट करके आंसर निकाल दूँ, बस यही तो प्रॉब्लम है, इस चैप्टर का काम ये है कि आपको पोजीशन बताना जिन बॉडीज़ में मास नॉन यूनिफॉर्मली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये टॉपिक आपको बताएगा। समझ में आ रहा है इस टॉपिक, क्योंकि अगर मैं आपको ये निकालना सिखा दूँ कि इसकी हाइट मान लो, इसकी हाइट मान लो 2L/3 पे है कुछ भी, तो फिर आंसर आ गया ना आपको भी, ठीक है इसका मास m है और g है इंटू 2L/3 आंसर, पर प्रॉब्लम ये है कि फिर मैंने कैसे निकाला, राइट क्लियर है। तो ये चैप्टर का काम ये है कि अगर आप मेरे को कोई बॉडी दें जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास नहीं है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है फिर तो यार चैप्टर क्लोज करो ना, फिर तो पता ही है सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, एग्जैक्टली सेंटर पे। पर अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी सेंटर ऑफ मास की, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो आने वाले टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है, शेप्स अलग अलग होंगी बॉडीज़ की, क्योंकि हम शेप को कंसिडरेशन में लेके आने वाले हैं, और अगर शेप अलग होगी तो मास की डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी। तो मैं नहीं चाहता मैं M1, M2, M3 मासेस पे काम करूं, मैं चाहता हूं M के ऊपर काम करूं, तो मुझे उन बॉडीज़ का क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले सेंटर ऑफ मास, तब ये न्यूमेरिकल आगे स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले काम हम क्या ढूंढेंगे, हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है ज़रूरत क्या है इस चैप्टर की। अब हम शेप्स के ऊपर आने वाले हैं, तो हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ढूंढनी आनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास की कैसे लोकेशन ढूंढते हैं, ये चैप्टर का काम है। इस चैप्टर में यही ढूंढेंगे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलग अलग बॉडीज की। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। नंबर 2, कई बार एक स्टूडेंट ऐसा सोचता है
सेंटर ऑफ मास शायद जब क्वेश्चन आएंगे तो एक बॉडी दी होगी, जैसे एक रॉड दे दी, रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालो, डिस्क दे दी, सेंटर ऑफ मास निकालो, या कुछ भी दे दिया, सेट नहीं, जरूरी नहीं है। मैं आपको ये भी दे सकता हूँ, एक सन है, एक मून है, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? आप कहोगे कहाँ पे होगा? हवा में होगा कहीं बीच में, ऑब्वियसली। मेरा और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? अब ना तो मेरी बॉडी में होगा ना इसकी बॉडी में होगा। मान लो मेरा मास भी एम है, इसका मास भी एम है, सेंटर ऑफ मास पता है क्या होगा? मिड पॉइंट में। आप कहोगे ये हवा में, ये तो हवा है, हवा में कुछ भी नहीं है। हाँ तो ये कॉन्सेप्ट भी तो क्या है, इमेजिनरी है ना, तो हम मानेंगे सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, हवा में ही है। तो आपको कोई न्यूमेरिकल कैसे होंगे, वो मैं आपको करना सिखाऊंगा कैसे होंगे, बट एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाला जाएगा। जब हम ये बोलते हैं कि एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ पूरी क्लासरूम का सेंटर ऑफ मास निकालो कहाँ पर है। आपका मास M1 है, M2, M3, M4, M5, M6, इस क्लासरूम का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? हवा में स्टेशनरी आ सकता है। इमेजिन करो एक रिंग है, रिंग का मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स सर्कमफ्रेंस, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? रिंग के सेंटर पे। आपको रिंग के सेंटर पे टोटल मास पड़ा हुआ है, हाँ जी पूरा पड़ा हुआ है टोटल मास, पर आपको कहाँ है? दिखेगा नहीं, इमेजिनरी है। आपको ये कैसी कैलकुलेशन है नहीं मास, फिर भी एम के साथ करे जा रहे हैं। अब पॉइंट ये है, लोगों ने सेंटर ऑफ मास टेस्ट किया है और इसकी कैलकुलेशन सेंटर ऑफ मास से करके देखी है प्रैक्टिकल, और ये कॉन्सेप्ट एकदम सही बैठा है। अब चाहे वो सेंटर ऑफ मास इमेजिनरी है और हवा में कहीं एग्जिस्ट करता है या बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है, जहां मर्जी करता हो, इमेजिनरी है, चाहे कुछ ना दिखता हो आपको, पर कैलकुलेशन आपकी एकदम सही ही आएगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं है। ठीक, अगर गलत होता तो हमारी प्रैक्टिकल, जब हम गाड़ियां चलाते हैं, कोई चीज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंस में, वो तो गलत आ जाती है ना, चैप्टर कैसे तैयार होता। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से हमारी कैलकुलेशन ईजी हुई है। और एक एग्जाम्पल तो मैं भी दे चुका हूँ, चेन वाला क्वेश्चन मैंने इंटीग्रेशन से भी करके दिखाया था और मैंने सेंटर ऑफ मास से भी करके दिखाया, दोनों में आंसर सेम आया। इसका मतलब मानने वाली बात है, सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेशंस आसान होती हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। तो हम क्या ढूंढने वाले हैं इस चैप्टर में? पोजीशन या लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन के यूनिट्स क्या होंगे? कितने लोग बोलते हैं केजी? सेंटर ऑफ मास लोकेशन जगह है, ये मास नहीं है। रॉड का मास तो एम ही रहेगा, मैंने मास नहीं पूछा, मैंने लोकेशन पूछी। इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढे जाते हैं x, y, ये मास नहीं है, ये लोकेशन का मतलब कोऑर्डिनेट्स ढूंढने वाली बात है। तो मीटर में हो सकते हैं लेकिन मास केजी में नहीं होंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक?